जय भीम, मैं हूं एआई एंकर कबीर और आप देख रहे हैं द न्यूज बी। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को अब पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका की वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में भी बाबा साहब की किताबें पहुंच गई हैं। अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस की 18 वॉल्यूम वेन स्टेट यूनिवर्सिटी को डोनेट की है। Because he gave the knowledge to the people and we need to give transfer those knowledge yes, to the absolutely. local community. मिशिगन की वेन स्टेट यूनिवर्सिटी डेट्रॉइट डाउनटाउन के बीच में स्थित है, जिसमें 26,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। लाइब्रेरी इन पुस्तकों को पूरे मिशिगन राज्य में सर्कुलेशन के लिए लिस्ट करेगी, ताकि पूरे मिशिगन राज्य में कोई भी लाइब्रेरी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस को एक्सेस कर सके और उधार भी ले सके। लाइब्रेरियन ने वर्ल्ड लाइब्रेरी रिकॉर्ड के लिए इन किताबों की डिजिटलाइजिंग के लिए अपना समर्थन भी जाहिर किया, ताकि दुनिया भर में ये किताबें उपलब्ध हो सकें। आना के स्थानीय सदस्य पिछले साल भर से वेन स्टेट यूनिवर्सिटी को बाबा साहेब की किताबें उपलब्ध कराने के लिए संपर्क में थे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अब वेन स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र और शोधार्थी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को समझ सकेंगे। आना उत्तरी अमेरिका में अम्बेडकरवाद को बढ़ावा देने वाली संस्था है। आना ने बौद्ध धर्म, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले और पेरियार जैसे महानायकों की किताबों को अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी की सीनियर लाइब्रेरियन वेरोनिका के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में संक्षेप में पढ़ा है, लेकिन अब वो गहराई से उन्हें पढ़ेंगी। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आना के प्रयास की सराहना भी की। जब उन्हें ये पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म पर भी किताब लिखी है, तो वो बेहद खुश हुई, क्योंकि वो इन दोनों बुद्ध धम्म को पढ़ रही हैं। बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस दरअसल डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई किताबों और भाषणों का संग्रह है। इन वॉल्यूम्स को भारत सरकार के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बाबा साहेब की ये किताबें बहुत पॉपुलर हैं और अब पूरी दुनिया में इनकी डिमांड बढ़ रही है। अब मिशिगन की वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में जब कोई शोधार्थी लाइब्रेरी में जाएगा, तो उसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग और स्पीचेस भी दिखाई देंगी। आना ने इसे ऐतिहासिक घटना बताया है। जिन बाबा साहब को बड़ी मुश्किल से कभी क्लास के बाहर बैठकर पढ़ने का मौका मिला था, आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनके विचारों को पढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीक को सब्सक्राइब करें। अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।